वंदे मातरम मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सियोर सक्सेस पर। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है, यानी हम लोगों को समझना है कि राष्ट्रपति को मुख्यतः कितनी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है और किन शक्तियों में किन प्रकार के विविध शक्तियाँ उनको दी गई है। तो राष्ट्रपति को मुख्यतः 7 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है, यानी कार्यकारी शक्तियाँ होती है, न्यायिक शक्तियाँ होता है, विधीय शक्तियाँ होता है, वित्तीय शक्तियाँ होता है, कूटनीतिक शक्तियाँ होता है, सैन्य शक्तियाँ होता है तथा आपातकालीन शक्तियाँ होता है। मुख्यतः ये 7 प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति को भारत के में दी गई हैं। अब देखिए कि कार्यकारी शक्तियों की चर्चा हम लोग पहले करेंगे, तो कार्यकारी शक्तियों में देखिए राष्ट्रपति को किन किन प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। तो देखेंगे तो राष्ट्रपति जो है, यानी भारत सरकार का जो भी कार्य किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है, यानी भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए जाएंगे वह सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर डन किए जाते हैं। अब देखिए कि इस प्रकार की अगर शक्ति दी गई है और वास्तविक शक्ति, तो आप देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री में निहित होता है और कार्यकारी शक्ति यानी उनके नाम पर कार्य किया जा रहा है। अतः राष्ट्रपति को एक शक्ति यहाँ पर दी गई है कि राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकते हैं ताकि उनके नाम पर किए जाने वाले कोई भी कार्य हो या कोई आदेश हो कोई अनुदेश हो वह वैध हो, यानी इसका फिक्सेशन वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आगे देखेंगे तो मंत्रिमंडल जो होता है और प्रधानमंत्री होता है, तो उनके बीच ये कार्यों को कोई ऐसा नियम बना सकते हैं ताकि वे कार्यों को विधिवत बेहतर ढंग से सुचारू रूप से कार्य को कर सके। अब देखिए, राष्ट्रपति को कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत ही बहुत से व्यक्तियों को, बहुत से अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। यानी देखिए कौन कौन से अधिकार इनको नियुक्त करने का है, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा प्रधानमंत्री से सलाह लेकर बाकी मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। अब देखिए तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं तथा उनके वेतन का भी निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब आगे देखेंगे तो नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब निर्वाचन आयुक्त जो होता है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होंगे या अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, उन सबकी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अब वित्त आयोग होता है, यानी वित्त आयोग के सदस्यों या अध्यक्षों की नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाएगी। आपको एक बात यहां पर जानना जरूरी है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के आदेश पर ही प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, जिसके अध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्ति इनके आदेश पर की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भी नियुक्ति इनके निर्देश पर किया जाता है, यानी इन्हीं के आदेश पर होता है, यानी यही नियुक्त करते हैं। अब आइए तो देखिए, राज्यपालों की भी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, उनको कुछ और विशेष अधिकार मिला हुआ है, यानी जो जातीय क्षेत्र होता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होता है, पिछड़ा वर्ग होता है, उसके लिए किसी प्रकार से आयोग का गठन कर सकते हैं। यानी इनको एक शक्ति दी गई है कि अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग है उसके लिए एक आयोग का निर्धारण कर सकते हैं ताकि इन लोगों को विकास के मुख्य धारा में लाया जा सके। अब आगे आप देखेंगे तो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासक राष्ट्रपति ही होते हैं, यानी किसी भारत के किसी भी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं ये, या वहाँ पर प्रशासन के लिए ये किसी भी प्रकार से अपने मत अनुसार विधि नियम कानून बना सकते हैं। अब देखिए तो क्या होता है कि राज का भी विवाद होता है या केंद्र राज का भी विवाद होता है, तो एक अंतर्राज्यीय परिषद होता है, यानी एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो होता है वो राष्ट्रपति के आदेश पर ही होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर प्रशासक लोग राज करते हैं, यानी प्रशासक के माध्यम से वहां सत्ता का संचालन किया जाता है, वो नियुक्त राष्ट्रपति ही करते हैं। अब देखिए, अगर कोई भी विधायी कार्य हो रहा है या प्रशासनिक कार्य हो रहा है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा, तो उसके बारे में सूचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से मांगते हैं या मांग सकते हैं। साथ ही साथ बहुत से बार ऐसा होता है कि कोई मंत्रिमंडल का मंत्री किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव लाया है जिस पर किसी भी प्रकार से वो ठंडे बस्ते में है, कोई उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो उस पर भी ये संज्ञान ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्तियों के रूप में एक अनोखा शक्ति मिला हुआ है, एक अद्भुत शक्ति मिला हुआ है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।